ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 1 अगस्त 2018 को साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था अदबी कुंज फरीदाबाद ने फरीदाबाद के मशहूर शायर श्री एमएल गर्ग जी के जन्मदिन के मुबारक मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। श्री एमएल गर्ग फरीदाबाद में अदबी कुंज के जरिए हिंदी और उर्दू की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और अदबी कुंज के वो अध्यक्ष हैं। अदबी कुंज के उपाध्यक्ष हैं श्री प्रदीप गर्ग, सेक्रेटरी हैं श्री महेंद्र शर्मा मधुकर, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अजय अक्स। आइए आज के जो हमारे खास मेहमान हैं अब उनके हुजूर चला जाए। मैं एक मतले एक शेर से उनको दावत कलाम देने जा रहा हूँ कि वफा के बीज तो बोने का सिलसिला रखिए, वफा के बीज तो बोने का सिलसिला रखिए, मगर मयान में थोड़ा सा फासला रखिए। और समाज नींद से आखिर कभी तो जागेगा, समाज नींद से आखिर कभी तो जागेगा, कलम से जर्ब लगाने का मशगला रखिए, कलम से जर्ब लगाने का मशगला रखिए। आइए आवाज दे रहा हूँ जनाब एजाज अंसारी साहब को कि वो यहाँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत से सामाइन को महजूज फरमाएं। आला जनाब एजाज अंसारी साहब। दोस्तों इस वक्त आपको देखकर उस प्लेटफार्म का मंजर याद आ रहा है कि जहाँ ट्रेन आने वाली तो हो लेकिन तकरीबन 9-10 घंटे लेट है। लेकिन यहाँ गजल के पारखी भी मौजूद हैं, यकीनन अच्छे कलाम की शनाख्त रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि दादू तहसीन से भी नवाजेंगे। पहले अजय अक्स, सबसे पहले एक नया और ताज़ा शेर सुन लीजिए। शेर इस तरह से है, उस बेवफा की देखिए तस्वीर बन गई। शेर सुन लीजिए जमीर साहब। उस बेवफा की देखिए तस्वीर बन गई, मैंने लहू उगल दिया जब कैनवास पर। उस जहीर भाई के उस बेवफा की देखिए तस्वीर बन गई, मैंने लहू उगल दिया जब कैनवास पर। मतला और दो तीन शेर सुनिए कि तमाम शहर को हैरान करने वाला हूँ, तमाम शहर को हैरान करने वाला हूँ, मैं अपनी मौत का ऐलान करने वाला हूँ। तमाम शहर को हैरान करने वाला हूँ, मैं अपनी मौत का ऐलान करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि है फायदा उन्हें मुझसे, मैं जानता हूँ कि है फायदा उन्हें मुझसे, वो सोचते हैं कि नुकसान करने वाला हूँ। मैं जानता हूं कि है फायदा उन्हें मुझसे, वो सोचते हैं कि नुकसान करने वाला हूं। और इरादा कर लिया अब उसको भूल जाने का, इरादा कर लिया अब तुझको भूल जाने का। राशिदा साहिबा शेर सुन लीजिए कि इरादा कर लिया अब तुझको भूल जाने का, मैं खुद को बेसरो सामान करने वाला हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। इरादा कर लिया अब तुझको भूल जाने का, मैं खुद को बेसरो सामान करने वाला। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं खुद को बेसरो सामान करने वाला हूँ। वफा फरेब है एजाज,
इश्क धोखा है। भाई शेर सुनिएगा, वफा फरेब है एजाज, इश्क धोखा है, बिना गरज के यहाँ कौन किससे मिलता है। वफा फरेब है एजाज, इश्क धोखा है, बिना गरज के यहाँ कौन किससे मिलता है, और गमों ने चेहरा कुछ इतना बिगाड़ रखा है कि आईना हो मुकाबिल तो खौफ लगता है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या 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 शायरी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गमों ने चेहरा कुछ इतना बिगाड़ रखा है कि आईना हो मुकाबिल तो खौफ लगता है, कि आईना हो मुकाबिल तो खौफ लगता है। मतलब और कुछ शेर और बर्दाश्त कीजिए कि जी भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं जी। मतलब इस तरह से है कि गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा। जमीर भाई, गम पड़े दरिया, गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। वाह वाह वाह, गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। और ये शेर किसी का नाम नहीं लूंगा, जनाबे सुनील कुमार साहब बैठे हैं, उनकी नजर कर देता हूँ। मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा, तू से तुम और तुम से उसको आप जब कहना पड़ा, तू से तुम और तुम से उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। पेश कर दिए, मेरे लिए तबर्रुक होगा, 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 मेरे लिए तबर्रुक होगा। मोहब्बतें आपकी, मोहब्बतें आपकी, मोहब्बतें आपकी, मोहब्बतें आपकी। मतला इस तरह से मैंने अर्ज किया था कि गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, और मेरे हिस्से में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा, और तू से तुम और तुम से उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। वाह वाह वाह। और शेर ये भी सुन लीजिए कि जिंदगी भर, सुनील साहब आप ही की नजर कर रहा हूं ये शेर भी, कि जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आखिरी गजल पेश कर दूं। आपने मुझे इज्जत दी है, मान दिया है, इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुझे याद किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा हक और मेरा अख्तियार भी है। मेरी आखिरी गजल के कुछ शेर सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। मतला इस तरह से है कि बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है मलाल तो है। अशोक साहब, बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। और मोहतरमा जरा शेर सुनती जाइए, शेर सुनती जाइए,
जी शेर इस तरह से है कि बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है, मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। और शेर ये सुना रहा था आपको कि करम नहीं न सही, अब तेरे सितम ही सही। करम नहीं न सही, अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। करम, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि करम नहीं न सही, अब तेरा सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। जरूर कीजिए। हाँ, पहना मत दीजिएगा इस वक्त। तो मैं ये शेर सीमा साहिबा की नजर कर देता हूँ कि करम नहीं न सही, अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। और शेर सुन लीजिए कि मैं इस ख्याल से शोहरत से दूर रहता हूँ भाई, मैं इस ख्याल से शोहरत से दूर रहता हूँ, उरूज कितना भी हो एक दिन सवाल तो है। मैं इस ख्याल से शोहरत से दूर रहता हूँ, उरूज कितना भी हो एक दिन सवाल तो है। और शेर सुनील साहब फिर आपकी तरफ इशारा जाता है, आप ही मेरे करीबी दोस्त हैं। शेर इस तरह से है कि ना चाह कर भी मेरा जिक्र करते रहते हैं, ना चाह कर भी मेरा जिक्र करते रहते हैं, मुखालिफों में ये खूबी तो है, कमाल तो है। न चाह कर भी मेरा जिक्र करते रहते हैं, मुखालिफों में ये खूबी तो है, कमाल तो है। और मैं मुतमईन हूँ बुजुर्गों से, मोहतरम ने अभी मुझे इज्जत दी, मान दिया, ये हार मेरे गले में डाला है, मैं उन्हीं की नजर ये शेर कर रहा हूँ कि मुखालिफों में ये खूबी तो है, कमाल तो है, मैं मुतमईन हूँ बुजुर्गों से राबता रखकर, मैं मुतमईन हूँ बुजुर्गों से राबता रखकर, जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है। मैं मुतमईन हूँ बुजुर्गों से राबता रखकर, जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है। और मक्ता आप तक पहुंचा रहा हूँ, बहुत जज्बाती मक्ता है, एक हकीकत से जुड़ा हुआ है, बहुत सच्चा मक्ता है। मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है जब ये मक्ता पढ़ता हूँ, मेरे वालिद मेरे फादर मुझे याद आते हैं, मेरे पिताजी उनकी मोहब्बतें याद आती हैं। मक्ता सुन लीजिए, जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है, और ज़ईफ बाप का साया भी कम नहीं है एजाज, ज़ईफ बाप का साया भी कम नहीं है एजाज, महाजे ज़ीस्त में ये नाम एक ढाल तो है। ज़ईफ बाप का साया भी कम नहीं है एजाज, महाजे ज़ीस्त में ये नाम एक ढाल तो है। और करम सही न सही, अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। ये थे जनाब एजाज अंसारी साहब,
جو بہت عمدہ شعر آپ کو سنا رہے تھے. میری فہرست میں ایک اور مشاعرے کبھی سمیلن کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیں. ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ میں جا کر لکھیں WAQT وقت MEDI میڈیا. چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملے. مجھے اجازت دیجیے.